फाइनली गाइस हमारी यूट्यूब की पेमेंट आ गई है, पूरे 2 साल बाद आई है हमारी यूट्यूब की पेमेंट। ये पेमेंट है हमारी बहुत ज्यादा टाइम से अटकी हुई थी, हमारे एडसेंस में कोई दिक्कत आ रहा था और हमारे एडसेंस में डॉलर जा रखे थे और काफ़ी टाइम से जा रखे थे, पर हमें बहुत टाइम बाद याद आया कि एक सिफ्ट कोड नामक भी कोई चीज़ होता है जिसको देना पड़ता है। हमें IFSC कोड के बारे में पता था पर सिफ्ट कोड के बारे में नहीं पता था। सिफ्ट कोड क्या होता है आपको भी नहीं पता होगा, सिफ्ट कोड क्या होता है बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता सिफ्ट कोड क्या होता है। सिफ्ट कोड IFSC कोड का मतलब ये होता है अगर आप अपने इंडिया में हो और इंडिया में ही कहीं से पैसे ले रहे हो अपने बैंक में या आ रहे हैं आपके बैंक में, लोकल A to Z इंडिया में जितने भी कंट्री हैं सारा, ठीक है, सिटी है, वहाँ से अगर आप पैसे ले रहे हो तो आपको सिर्फ IFSC कोड की जरूरत है। अगर आपका पैसा किसी आउट ऑफ कंट्री से आ रहा है, आउट ऑफ स्टेट से आ रहा है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट हो गया, हांगकॉन्ग हो गया या कैनेडा हो गया, अगर यहाँ से अगर आप अपने अकाउंट में कोई पैसे अगर मंगवा रहे हो अपने अकाउंट में तो आपको सिफ्ट कोड की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस हमें इस पैसे को लाने के लिए हमारा 2 चैनल है, एक चैनल से तो जिस पे हमारे थोड़े सब्सक्राइबर हैं उस पे तो हमारे 2 बारी पेमेंट आ गई है, ठीक है, एक बारी बहुत टाइम पहले आया था और एक बारी अभी कुछ टाइम पहले फिर से आ गया था। हमारा एक चैनल था जिसके ऊपर हमारे 8,000 सब्सक्राइबर लिविंग कपल ब्लॉग के नाम से है और जिसके ऊपर अभी आप देख रहे हो वो सब्सक्राइब ब्लॉग के नाम से है, ठीक है, और उस चैनल पे हमारा 2 या 3 वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसपे कुछ 40 लाख व्यू आए थे, सारा टोटल जोड़ के 40 और एक पे आया था 23 लाख, मतलब वो 60-70 लाख उस पर व्यू आए थे, तो उसके हमें इतने रुपए मिले थे, तो वो काफ़ी टाइम से उसी में फंसे हुए थे, तो उससे है ना हमने एक अकाउंट बना दिया था एडसेंस, उसमें चले गए, उसमें जाने के बाद वो पैसे निकल नहीं रहे थे काफ़ी टाइम से, तो हमने बहुत ज़्यादा टाइम से हम वेटिंग कर रहे थे कि पैसे क्यों नहीं आ रहे, आठ नहीं रहे, तो बस हमें काफ़ी टाइम बाद पता चला कि ये दिक्कत आ रही है। और ये पैसे कितने एक बार मैं आपके सामने काउंट करके बता रहा हूँ, तो आप एक बार ये इससे अनुमान लगा लेना कि कितना है, ठीक है, इसमें इतनी जो गद्दी है देखो निकल गया, ये वाले मैं काउंट करूंगी, वैसे मैंने काउंट कर रखे हैं। आप ये वाला काउंट करो, आप ये 500 का नोट है देखो, और ये पूरे असली हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है, मैं नहीं करती इतने सारे, मेरे को चक्कर आ जाते हैं इतने सारे पैसे काउंट करके, मैं भूल जाती हूँ, मैं पता है कोई बात नहीं, आप मोटा मोटा तो काउंट करो, चलो आप 100 का, मेरे से नहीं, मेरे से तो 100 के भी नहीं होते, ठीक है, 100 की कर दिया, आप इसको ये काउंट करके बताएंगे, ठीक है, आप करो। मैं ये भी कर रही थी, इसमें भी कंफ्यूज हो गई थी यार, ये कैसे होगा, मैं कैसे नहीं, मैं सिर्फ अपने मन ही मन में बोलूंगी, आप चेक करना, ठीक है, मन मन में नहीं, उनको समझ आएगा ना आपके मन मन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 99 और ये हो जाएंगे 100, ठीक तो है, क्यों, चलो ठीक है, मोटा मोटा ऐसा नहीं किया, 100 नोट है ये है दोस्तों, 100 नोट, ये 100-100 के 200 नोट है, तो आप समझ सकते हो कितना, ये 10,000 ही हो गए, और तो गाइस ये वाले नोट थे 100 और 100 के नोट 100 थे, 10,000 हो गए, अब मैं ये काउंट करके दिखा रहा हूँ आपको कितने हैं, ठीक है, बड़ी जल्दी जल्दी करूँगा, आप बस आप काउंट करते रहना, ये 500 के नोट है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
जा रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः, ये है 56,000 और ये है 10,000, मतलब कि 63,000 रुपये हमको YouTube से आई है। YouTube के ऊपर बताते नहीं है कि कितनी पेमेंट आई है, बट हमने आपको रिवील कर दिया ये 66,000 रुपये है
हमारी फर्स्ट पेमेंट आई है और किस वीडियो से आई है। हमारे दो वीडियो के ऊपर टोटल व्यू आए थे 60 मिलियन पार हो गए थे, मतलब 60 लाख पार हो गए थे। और एक शॉर्ट वायरल हुआ था जिसके ऊपर 8 लाख व्यू आए थे और अब हमने वो प्राइवेट कर दिया क्योंकि उसके ऊपर कॉपीराइट आ गया है, ठीक है। तो जब तक उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आया था तब तक हमने उससे जो अर्निंग आई है वो आ गई है, बट अभी उसके ऊपर कॉपीराइट आ गया तो हमने उसको प्राइवेट कर रखा है वीडियो को, ठीक है। और उन तीन वीडियो से हमें ये 63,000 रुपीस आई हैं। और आप लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना आपने भी, आपको यूट्यूब से कितनी पेमेंट आई है। ये हमारे सेकेंड चैनल है उससे आई है हमारे यूट्यूब के पेमेंट और हम बड़े खुश हैं, हमें पूरे 2 साल बाद पेमेंट आई है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और यूट्यूब के लाइन में जाने के बाद हमने सच बताया कि एडिटिंग करना और रात रात भर जाकर वीडियो शूट करना, मतलब घर में ही लाइट जला करके पागल की तरह शूट करना, फिर डेली ब्लॉग करना, हमें कई बार ही है ना, हमने वीडियो बना रहे थे तो हमको कई बार लोग ने उल्टा सीधा भी बोला, काफ़ी ज़्यादा बोला, और बट हमने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने काफ़ी इग्नोर मार के और हमने अपने काम की ओर ध्यान दिया। हमारे चैनल पे कई ऐसे स्टेज भी आई कि जब हमारे चैनल के ऊपर वीडियो में कोई व्यू नहीं आए थे और फिर हमने काम करना बंद कर दिया था। और फिर हमारे इसी 2 साल के अंदर हमारे चैनल पे एक एक मतलब अलग अलग बारी 2 स्ट्राइक आए थे और हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए थे क्योंकि हमको नहीं पता था स्ट्राइक क्या है। हमने सुना था कि हाँ ठीक है स्ट्राइक आता है और बस स्ट्राइक आता है कोई बात नहीं, हमने दूसरे के चैनल के ऊपर देखा था। जब हमारे चैनल पे स्ट्राइक आया था सच बताऊँ हमारा इतना ज़्यादा हमारा हम अंदर से मन सा ख़राब हो गया था, हम अंदर से एकदम रोने का मन कर रहा था, स्ट्राइक आ गया। हालांकि हर किसी के चैनल पे 3 स्ट्राइक आता है तो जाके चैनल के ऊपर थोड़े बहुत जो है मतलब नुकसान हो जाता है, हम टोटली सबको डिलीट हो जाता है, बट हमारे चैनल पे 1 स्ट्राइक आया था। हमें इस तरह लग रहा था कि हमने अपना कॉन्टेंट बनाया, दूसरे का कुछ नहीं चुराया, उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों हमको स्ट्राइक आई। तो हमने ना 7 दिन के लिए तो पहले तो बंद हो गया, 7 दिन के लिए जैसे ही बंद हुआ तो एक तो आपको एक ही बात बताऊंगा कि जब भी आपके चैनल पे स्ट्राइक आएगा ना, चाहे 1 आए चाहे 2 आए चाहे 3 आए, तो आपकी जो ग्रोथ चल रही होगी ना, जैसे कि अभी आपके चैनल की ग्रोथ 100 पे चल रही है 100%, और जैसे ही अगर आपके चैनल पे स्ट्राइक आता है तो आपकी ग्रोथ सीधा 100 से 30 पे आ जाएगी। जो आपके ऊपर इंप्रेशन आ रहे हैं, जो आपके वीडियो के ऊपर रीच आ रहे हैं, मतलब जितने सपोर्ट आ रहे हैं, स्ट्राइक से पहले 100% आ रहे थे, जैसे स्ट्राइक आएगा तो 30% हो जाएगा। YouTube सारे ही इम्प्रेशन को और हर एक चीज़ को टेक डाउन कर देता है, तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि 1 स्ट्राइक आया, स्ट्राइक तो चलो कोई बात नहीं आ गया, कोई बात नहीं एक्सपायर हो जाएगा 90 दिन के अंदर, बस स्ट्राइक आने के बाद जो सैडिंग फेस आता है ना कि हमने इतना मेहनत करा उसको एक्टिव किया फिर उसी लेवल पे चले गए गिर के, तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो इसलिए हमने 2 बारी आया, हमने दोनों बारी बहुत ज़्यादा हम डीमोटिवेट हो गए और काफ़ी टाइम के लिए हमने ब्रेक भी ले लिया था यूट्यूब की लाइन में। और अभी इस चैनल पे जिससे हमें पेमेंट आई है हम उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं बस काफ़ी रुक रुक के बना रहे हैं क्योंकि हमको उसमें हमारी पेमेंट फंसी हुई थी, तो हमें ऐसा लग रहा था यूट्यूब से अर्निंग होती है पर वो अर्निंग हमारे को नहीं मिलती है, ठीक है। कई लोगों को मिल जाती है बट हमें नहीं पता था किस कारण हो रही है, तो हमने जैसे क्लियर करा तो ये पेमेंट हमारी आ गई। तो अब हम उस चैनल के ऊपर भी वीडियो डालेंगे, डेली ब्लॉग डालेंगे और उसके ऊपर प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके सपोर्ट करके जरूर बताना, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल के ऊपर बने रहना, ठीक है गाइस।